हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। सो दे फर्स्ट माई आउटफिट लॉन्ग फ्रॉक था, लॉन्ग फ्रॉक और टॉप, जो भी आप लोग इसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं, विद द शिफॉन दुपट्टा एंड द टाइट्स। अच्छा, ये मेरे पास ना तीन चार टाइट्स हैं जो कि मैं एनी लॉन्ग फ्रॉक वेयर कर लेती हूँ। सो आज आप लोग तो देख रहे होंगे कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग कहाँ पर जा रहे हैं। आज की डेस्टिनेशन हमारी जो है वो तो मैं आपको नहीं बताऊँगी, बट मैं आपको ना कुछ हिंट्स दूंगी जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप हम लोग जो है ना कहाँ पे जा रहे हैं और मैं आप लोगों को कहाँ पे लेके जा रही हूँ। मैं आपको हिंट्स देना स्टार्ट करती हूँ, मे बी आपको पता चल जाए कि हु दे आर। एनीवेज, जहाँ पे हम जा रहे हैं, दे आर वेरी पंचुअल पीपल्स इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एंड दैट्स वाई हम लोग इतनी अर्ली उनके घर पे पहुंच रहे हैं। सो इट्स वेरी हार्ड फ्रॉम मी बिकॉज इतनी सुबह सुबह उठ के मेकअप करना अपने फेस पे, इट्स वेरी टफ फ्रॉम मी बिकॉज आगे पीछे भी मैं हाँ उठती हूँ नमाज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बट झूठ नहीं बोलना, आजकल मैं नमाज नहीं पढ़ रही बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट अल्लाह ताला मुझे तो फेक दें, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे पीछे भी मैं उठती हूँ, वजू करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, एंड देन अगेन जस्ट लाइंग ऑन माई बेड एंड रिलैक्स। बट उस दिन मुझे ज़्यादा टफनेस इसलिए फील हो रही थी बिकॉज फर्स्टली आई एम नॉट अर्ली राइजर नाउडेज, एंड सेकेंडली आपको सुबह सुबह उठ के मेकअप करना, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी फॉर एवरी पर्सन बहुत ज़्यादा टफ होता है बिकॉज आपकी आंखें स्वेल होती हैं, फेस पूरा टोटली स्वेल होता है, तो मेकअप एक तो अच्छा भी नहीं लगता, सेकेंडली करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि मैंने हालात को मैनेज करके मेकअप कर ही लिया, और मेरी बातों से तो आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, जैसे कि मुझे खुद फील हो रहा है। एनीवेज, अभी हम लोग एंटर हुए हैं उनके घर पे कि उन्होंने एज यूजुअल टेबल खाने की ऐसे डेकोरेट की हुई थी ना विद द डिशेस के देख के दिल खुश हो गया। हंसी भी आती है यार कि हालात कितनी ज़्यादा पंचुअल है। अब मैंने खुद ही आपको बता दिया कि मैं किसके घर गई हुई हूँ, क्योंकि इतनी बातों से तो मेरे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारी फैमिलीज में सबसे ज़्यादा पंचुअल जो है ना वो कौन है, तो वही सबसे ज़्यादा पंचुअल है। तो अभी हम जाके बैठे हैं, साथ ही हालात ब्रेकफास्ट ले आई हैं, एंड कहती हैं चलो चलो स्टार्ट हो जाओ, खाओ खाओ खाओ। फिर मील में ये था कि ब्रेकफास्ट मील में था पूरी हलवा था, साथ में नान चने थे, उसके बाद बॉयल्ड एग्स थे, बाकरानिया थी, रस थी, चाय थे, एंड ऑल टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, आई डोंट नो आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं, बट आफ्टर टेलिंग मुझे बताइएगा आप कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो होता ही है। लाइक जब मैं ड्रेसअप हुई हूँ, मैंने बाल बनाए हों, मैंने मेकअप किया, यू नो ऑल ऑफ दैट, तो मैंने ये सब कुछ किया ना, तो मैं किसी के घर जाऊँ मैं कंफर्टेबल होकर खा पी नहीं सकती, मुझे लाइक कंफर्ट फील होता ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी कंफर्टेबल हूँ मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होता। आई डोंट नो आप भी बताएं, सॉरी, कि आपके साथ ऐसा होता है या सिर्फ मैं ही इस पूरी दुनिया में अनोखी महलूक मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसा होता है। लाइक मुझे भूख भी लगी होती है लेकिन मुझसे कुछ खाया नहीं जाता है, ना ही मेरा दिल करता है किसी के घर कुछ खाने का, स्पेशली नाश्ते में तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, बिकॉज मैंने अभी एक फर्स्ट बाइट बाइट ली है, साथ ही जो है ना वो मेरे ऊपर गिर गया, बाइट का कुछ चीज़ गिर गई है और स्टेन लग गया, और मेरे फ्रॉक ऑलरेडी लाइट कलर का था, मुझे इतना धूप लगा यार कि मेरा इतना लाइट फ्रॉक था और ये भी गंदा हो गया। एनीवेज, आपको ये जो पीछे नॉइस आ रहा है ना, ये प्लीज़ इग्नोर करें, हमारी ये मोटर लगी हुई है तो उसकी वजह से इतना शोर आ रहा है ना, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, कभी फेरी वाला आ जाता है, कभी मामा बोलती हैं, कभी भाई बोलते हैं, कभी मोटर बोलना स्टार्ट हो जाती है, तो वाई मैंने व्लॉग जो है ना 2-3 टाइम वॉइस ओवर करके दोबारा से डिलीट किया और दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ अब। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना इन सब लोगों पे कि मैं यार शूट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ चुप कर जाएँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन मजाल है कि कोई एक बंदा भी चुप करे हमारे घर से। वेज ऑफ ब्रेकफास्ट हम लोग बाहर चले गए, बाहर जाके हम लोगों ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने नहीं मतलब बच्चों ने खेलना स्टार्ट कर दिया, मैंने भी एक दो बारी ले ली, और उसके बाद मैं आपको ये प्लांट्स दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, इनके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ बिकॉज हमें जितनी भी ब्यूटी होती है ना उसको कैप्चर कर लेना चाहिए, कैद कर लेना चाहिए अपने दिल में। आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट बी सीरियस। और सुबह तक तो टाइम जो है ना 10 बजे के टाइम तक तो मौसम जो है ना वो अच्छा था, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा तेज़ धूप कि इंसान जो है ना अपना हाथ बाहर भी नहीं था निकाल सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और ऊपर से लाइट भी चली गई हुई थी, और बुरा हाल हो रहा था, लेकिन यह कि मैनेज हो ही गया था। फिर उसके बाद ये देखे बच्चे बाहर बैट बॉल खेल रहे थे, मैंने सोचा इनकी भी वीडियोस जो है ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ, मैंने भी थोड़ा सा खेला, और मैं जो है ना बैटिंग लेफ्ट हैंड से करती हूँ, आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन यहाँ पे लेफ्टी है, कौन कौन लेफ्टी जो है ना हमारा व्लॉग देख रहा है,
कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट भी किया करें आप लोग और मुझे बताया करें। मैं आपको कितनी वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मुझे बताएं, सजेस्ट करें कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, लेकिन आप लोग हैं, आप लोगों के शायद हाथ दुखते हैं कमेंट करते हुए। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, डोंट बी सीरियस। आपने सीरियस नहीं होना, ना ही मेरी बात का माइंड करना है। अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शेरों वाले बाग में, अकॉर्डिंग टू माय हाला। नाउ वी आर ऑन द वे। अच्छा, तो फिर हमारा शेरों वाला बाग आ गया और उसके बाद हम लोग बाहर निकले गाड़ी से, और मैंने तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैंने कहा यार मैंने तो आगे गलती कर दी। लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो तो धूप में भी इतना इन्जॉय कर लेते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो तो धूप में यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, ये करें वो करें, आओ खेलें, आओ ये करें, आओ रैकेट्स खेलें, बैट बॉल खेलें एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने उनका कोई साथ नहीं दिया। जस्ट मैं पार्क में, जो ये यहाँ पे साइड पे बाउंड्रीज बनी हुई थी फ्लावर्स की, अभी वो बना रहे थे कुछ लोग ना, तो मैंने ये कैप्चर कर ली, मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं। और पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं तोड़ लूँ एक फ्लावर, बट मैंने कहा नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे, ये ना मुझे डांट पड़ जाए उन आदमियों से। और वैसे भी नहीं तोड़ना चाहिए, अपने घर में हो तो मैं तो तोड़ लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने नहीं था तोड़ा। खैर एनीवेज, आप लोग मेरा शेडो देखें कैसा लग रहा है। और ये है रेड डियर बारहसिंगा, जिसे कहते हैं बारहसिंगा, बारहसिंगी कहते हैं ना, पता नहीं अब मुझे, शायद वही कहते हैं। और इसकी मुझे बताएं कि स्टोरी किस किसने याद की हुई है, मैंने भी याद की हुई थी लेकिन मुझे भूल गई है। नहीं, लेकिन मुझे ये कि मॉरल उसका याद है कि किस चीज़ पे बनी हुई थी, उसका उसके जो सींग होते हैं वो फंस जाते हैं किसी जगह पे और शेर आ जाता है, और इस तरह की कोई चीज़ थी। इत्तफाक में बरकत वाली नहीं थी, नहीं ये चेंज थी और वो चेंज है, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रही। हम लोग पार्क में आ गए थे, बच्चों ने झूले वगैरह लिए एंड जस्ट फॉर 15 मिनट्स हम लोग यहाँ पे रुके, और उसके बाद हम लोग वापस चले गए क्योंकि धूप के मुंह पे इतने ज़ोरदार थप्पड़ लग रहे थे ना लेफ्ट एंड राइट से कि यहाँ पे रुकना जो है ना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लूँगी लेकिन नहीं ली गई बिकॉज इतनी गर्मी थी। उसके बाद हम लोग घर आए, घर आने के बाद लाइट ऑलरेडी नहीं थी, एक यहाँ से इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, बाल भी खुले थे, तो घर गए, घर पे अल्लाह ताला ने जो है ना लाइट भी लेके गए हुए थे, वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर ये है कि मैंने हाई बंद बना लिया, फिर मुझे सुकून हो गया, फिर लाइट आई, मैंने अपना जो पसीना वा ड्राई किया, उसके बाद मैंने पिक्चर्स बनाई, टिकटॉक्स बनाई, वो तो मैं पोस्ट नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन मैंने जो है ना अपनी कुछ टिकटॉक्स जो है ना, वो मैंने अपनी टिकटॉक आईडी पे भी अपलोड की हुई हैं, जो कि आलिया नईम 2 के नाम से आईडी है। वहाँ पे जाएं आप लोग, मुझे वहाँ पे फॉलो करें, वीडियोस लाइक करें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं, आपको देख के आप देख के इंजॉय करेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे मस्ट फॉलो करें। और जो लोग वहाँ से देख के यहाँ पे आए हैं उनके लिए अगेन थैंक यू सो मच, मैं हर वीडियो में उनका थैंक यू करती हूँ, अब भी करूँगी, और जो लोग यहाँ से देख के वहाँ पे जाते हैं उनका भी थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। घर गए और घर पे मामा जो है ना, वो मतलब जब हम अपनी हाला के घर गए पार्क से वापस पे, हम अपनी हाला के घर गए तो मामा तो यूँ सोई हुई थी बेड पे, और हाला मुझे कहती हैं देखो ज़रा तुम्हारी माँ को, और हमारे मेरी एक और हाला है, वो दोनों, मेरी मामा और वो दोनों हर जगह जाकर जो है ना सो ही जाती हैं, लाइक उनको थोड़ी देर के लिए जस्ट पीस फील करती है जब वो जस्ट वो टिश 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 खराटे मारना स्टार्ट हो जाती हैं। मेरी मामा जो है ना वो भी इस तरह हैं, वो भी दोनों इक्वल लेवल की हैं, लेकिन ये है कि मामा किसी किसी जगह पे जाके सोती हैं, लाइक जो उनके बहुत हमारे जो है ना बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके घर, अदरवाइज हर किसी के घर नहीं जाके सोती। अच्छा, फिर उसके बाद लंच हो गया, लंच की तैयारी स्टार्ट हो गई। लंच में हाला ने पूछा कि हम आपके लिए क्या बनाएं, हमने कहा जो मर्ज़ी बना लें, और हाला कहती हैं क्या ये न्यू डिश बनी है, जो मर्ज़ी वाली डिश न्यू बनी है, लाइक हर बच्चा कहता है जो मर्ज़ी, लेकिन हाला कहती हैं क्या कोई न्यू डिश ईजाद किया तुम लोगों ने, क्यों न्यू डिश का कोई इन्वेंशन हुआ है जो मर्ज़ी वाला। हमने कहा नहीं, आपकी जो मर्ज़ी है बना लो। ये वाला डिज़र्ट इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैं तो मामा से कह रही थी मामा हाला से रेसिपी लें और मुझे भी बना के दें, बहुत ज़्यादा टेस्टी डिज़र्ट था। और आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है खाने में, कबाब तो बहुत ज़्यादा मज़े के थे, मुझे बहुत ज़्यादा कबाब एंड डिज़र्ट, मुझे ये दोनों चीज़ें बेहद अच्छी लगी थी और मैंने ये खाई भी सही वाली थी। सो लंच मैंने अच्छा किया, हम सब ने अच्छा किया, साथ में सैलड भी था और फ्रूट चाट थी, और उसके बाद बीफ कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी, शामी कबाब थे एंड कबाब थे, उसके बाद डिज़र्ट्स थे एंड कोल्ड ड्रिंक्स थी।
हम लोगों ने लंच किया और फिर हमारा प्लान बन गया कि हम लोग जो है ना वाटर बलून्स लेके एक दूसरे को मारें। लेकिन फिर मुझे याद आई, नो, मैंने तो न्यू कपड़े पहने हुए हैं, मेरे कपड़े सारे बर्बाद हो जाने हैं, मैं तो नहीं कर सकती, तो फिर मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने डिज़र्ट खाया। डिज़र्ट खाने के बाद ये एक बेचारा अंडा जो है ना वो रह गया था, हालात दिखाई थी, इस बेचारे को क्यों छोड़ दिया। इसको मैंने सोचा था कि बिरयानी में ऊपर डेकोरेट करूँगी, मैं कह चले अब रख दे बेचारे का, कोई खा लेगा। तो फिर वो उसको वहाँ पर रख दिया। उसके बाद मेरे घर के पर्सन्स को सुकून नहीं है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्यों है। बंदा आहिस्ता भी बोल सकता है कि व्लॉग बना रही है, तो चलो बंदा आहिस्ता बोल रहता है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना है उन लोगों ने। एनीवेज फिर उसके बाद हम लोगों ने, मैंने और सफ़ा ने जो है ना बास्केटबॉल खेला। बास्केटबॉल नहीं था वो, तो फुटबॉल ही था। बास्केटबॉल तो वो बास्केट वाला होता है ना, फुटबॉल खेला। उसके बाद हम लोग घर आ गए एंड घर आ के फिर हमें सुकून हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, एंड आई होप सो गाइस कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Aliyah92 के नाम से आईडी है, वहाँ पे भी आप फॉलो करें, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं अपना, रोज़ रोज़ कमेंट किया करें।